ध्यान रखिए, जमा ही पीछे लगा है नहीं। बड़ा ध्यान से सुनो भाई, है ना। एक बार भोलेनाथ ने ताली बजाओ, बजे बजाए बजे कर हाथ थे बजे सब जे कर हाथ नहीं ध्यान बजे है नहीं। ऊपर में हवा महानदी भैया ने जैसी हवा का, ऊपर में हवा महानदी भैया ने जैसी हवा का, अरे पहाड़ में हवा श्रृंगेरी से बाबा देवा ते हमला जान, अरे पहाड़ में हवा श्रृंगेरी से बाबा देवा ते हमला जान। ऊपर में हवा महानदी भैया ने जैसी हवा का, ऊपर में हवा महानदी भैया ने जैसी हवा का, पहाड़ में हवा श्रृंगेरी से बाबा देवा ते हमला, पहाड़ में हवा श्रृंगेरी से बाबा देवा ते हमला, अरे पहाड़ में हवा श्रृंगेरी से बाबा देवा ते हमला, अरे पहाड़ में हवा श्रृंगेरी से बाबा देवा। श्रृंगी ऋषि बाबा ज्ञान देते कि नहीं, जेकर भी बाल बच्चा नहीं हो वो यज्ञ करते तो वहां डबल बच्चा देते हैं, ये तय है। सबसे अच्छा क्षेत्र भारत में सिहावा क्षेत्र, सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? सिहावा क्षेत्र, क्योंकि भगवान यही रहा ऋषि, यही रहा ऋषि मुनि है। लेकिन पूजा पाठ श्रद्धा मन से करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट चल छिद्र भावा, निर्मल भाव से पूजा पाठ करो। ये भोलेनाथ देखो नदिया बैला उच्च में देखे काबा देखिए, बताओ कहां तू भी ये धर्म में तुम काम में बैठे हो, धर्म है ये, धर्म में बैठने से काल नहीं आए, काल नहीं आए नोट कर लो, माइंड फ्रेश हो जाते। और जो तीन दिन राम कथा सुने ना, एक महीना उम्र बढ़ गई तुम्हारे, हर साल राम कथा सुनो तो एक महीना बढ़ जाए, और माइनस पॉइंट भला है जे राम कथा नहीं आए तो साल में एक महीना घट जाता माइनस पॉइंट। तो हमारे बूढ़ा देव शंकर भगवान धर्म में बैठे नदिया बैला में, और कब से बैठी? पोला त्योहार के दिन से, पोला त्योहार के दिन में बैठी। एक बार ब्रह्म लोक में शंकर भगवान की बूढ़ा देव कई, वहां भगवान चमन सब प्रणाम नमस्कार चमत्कार के, वहां गधा रहते हैं, गधार किस के गधा, सब लोग नमस्कार चमत्कार प्रणाम किए, तुम कुछ तो करो कुछ तो बोलो, वो है कर दिस। भोलेनाथ तक गुस्सा लगी त्रिशूल में मारिस, तो त्रिशूल में कर मुड़ी कट के गधा की मुड़ी है, अब ऐसे घूमते घूमते शंकर भगवान के हाथ में चिपक गए। अरे छोड़ भाई छोड़ छोड़ कथे, छोड़त नहीं है नहीं, बहुत कोशिश कर दी छोड़, ब्रह्मलग की सब कैसे करल पढ़े भाई, जा भोलेनाथ अब तक गंगा जा, गंगा जावे गंगा में नहावे तहन ऑटोमेटिक निकल जाए, गंगा जाए भोलेनाथ निकली। जैसे निकली रास्ता में कुछ दूर के बाद 10-15 किलोमीटर के बाद एक गांव मिली, शाम हो गया है, एक ठन बछरू बंधा रहा है, वो बछरू के नाम नंदी रखे रहा है, क्या नाम? नंदी। वह रुकी शाम हो गया है, वो नंदी महाराज से नाम जो बछरू से गोठिया थे, बढ़िया है यार तोरा तोला खाना पीना बढ़िया मिला थे, आराम कर रहा था, मोला बड़ा तकलीफ है भाई, मैं गंगा जाता हूँ स्नान करे बर, तब मोर पाप है धूली मोर काल है हठी, ऐसे कहा थे। तो कथे बछरू है, अरे का भोलेनाथ वो राउत आते सुबह एक कनी पिए रहता खूटा में खींच के बांध देते, इधर ही सोचे हूँ राउत आई तो एक लात मार हूं मरी जाए तैसे, ना रहे बांस ना बजे बांसरी, ऐसे रात सोचे हूँ कहते शंकर भगवान, सोचे यहाँ भी कुछ होने वाला है यही रुका जाए, रुकीस रुकीस रात भर, सुबह राउत है दुहे बाईस गाना गाने डरे नाने नाने कहा था थे बछरू कहते गाले बेटा गाले एक लात मारू कहा मन मन। अब जैसे बछरू ढीली से पी से खूटा में खींच के बांधे धरात्री से एक लात मारी, वही राउत फटले मर गए, गौ माता श्राप दे दी
जाते मोर बड़े बेटल मारे तो पेट भर कबरा हो जाए। जो बेटा मोला नहवाते धोवाते चारा पानी खिलाते तेला मारते हैं तहु बेटा, लेकिन ये मोर बड़े बेटा है जा पेट भर कबरा हो जाए। पेट भर कबरा हो गए तो उस समय पाप दिखे दाई कबरा हो गए है ना। अभी पाप नहीं दिखे न दुनिया भर के पाप रहते। तो माता से प्रणाम करी, माता जी मोर से गलती हो गई है नी, तक के इस बेटा ते गंगा जाके नहा, ये मोर बड़े बेटा भी जी जही अब तोर पाप धुल जही। ऐसे की सहन और शंकर भगवान चाहत भी नहीं सोच जानते नहीं से। अब दोनों जन की गंगा नहाए बा, गंगा नहा लगी, गंगा में दोनों जन तैरी, बछरू की कबरा निकल गए। अब एक गधा के मुड़ी है धरे चरा है कतिक पहले पैर बेरे कह पैर हूं कथ नहीं निकले। तब वो बछरू कथे नंदी महाराज है बोले ना, तब तय मोर पीठ में बैठे और मैं तब रथ हो तहन कैसे नहीं निकले। जैसे भोलेनाथ बैठी और गंगा में ऐसा तैरिस मुड़ी अलग हो गई है नी। गधा धर्म में जब बैठी नंदिया महाराज धर्म है, नंदी महाराज में बैठी तहन वो गधा की मुड़ी अलग और नदियल गंगा ले नहा धो के बढ़िया गोठिया आवा थे बढ़िया। गधा देखी अरे तो फिर अलग हो गए धर्म ले, फिर दौड़ा के लाई। तो नंदी महाराज कथे बछरू है बोले नाथ बैठ बैठ मोर पीठ में बैठ। और जैसे पीठ दौड़ा लाई आई से धन घुटा घर रहा तेमे कही बोले नाथ तो यहाँ घुसड़ अब मैं आप देखता हूँ गधा खतरा लाते की। तब ले देखा थे आज ले देखा थे देखता हूँ ना हर मंदिर के सामने में गधा आए तो नहीं कहीं के सामने में देखा था। ये है नंदी महाराज का है। जो भी भोलेनाथ का पूजा किया है वो मालामाल हुआ है, लेकिन दोनों को पूजा करना चाहिए। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास और ते नर कर ही कल्प पर घोर नरक में वास। एक जन राम न मानते शंकर नहीं माने, शंकर न मानते राम नहीं मानते घोर नरक में वास करते। रावण है एक लाख बेटा सवा लाख नाती जेकर घर में दिया न बात। रावण के एक लाख बेटा रिस्क थे हैं, सवा लाख नाती जेकर घर में दिया न बात। तब कर पत्नी कति रिस्क हुई, एक लाख बेटा रिस्क था, 18,000 पत्नी रिस्क थे। उस समय की नगरी बुला के कह देते भाई चिक्कर मर गए काबा। राम से द्रोह करने वाला कभी नहीं बच सकता, आगे बढ़ नहीं सके हैं। रावण हा तो मुड़ी लग खेच लग काट काट के चढ़ाए शंकर भगवान करा और उतरे राम की हल पूजा करती आज ओकरे पूजा करते है नहीं। तो रावण हा मरद खने सब ल सकलिस लोग लड़का आसपास के आओ रे कहीं से राम घलरी से अब कहीं देखो रे मैं जो काम करे तेरे तुम मत करो किसी मैं जो काम करे तेरे मत करो बल्कि राम हा जो करे तेरे तुम सब करो किसी है नहीं। राम जो काम करे तेरे करना है बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलता। अब ज्ञान प्राप्त करे राम की कृपा होना चाहिए। अब ज्ञान मिल गया ना, अब ज्ञानवान हो गए तो करना क्या है हमला। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निजाना। जहां सुमत है वहां संपत्ति संपत्ति है और जहां कुमत है वहां विपत्ति विपत्ति है। जेकर घर में झगड़ा लड़ाई है ते संपत्ति रह नहीं सके। छेरी के चराई और कोट कचहरी के चढ़ाई एक के बराबर। एक बार छेरी के हिल चर देते ना ते पौधा है नीवल होए नीवल होए ना हाँ। उसने जेकर परिवार कोट कचहरी चढ़ गए वो परिवार नीवल होए वो खत्म है हैं। ये बाबा तुलसीदास ने भाई हजारों लाखों करोड़ों लोगों को तारने के लिए लिख दिया हैं। तुलसी तेरे रामायण में सिया राम का बसेरा है। तुलसी तेरे रामायण में सिया राम का बसेरा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ बस तेरा ही सहारा है, बस तेरा ही सहारा है। तुलसी तेरे रामायण में सिया राम का बसेरा है। तुलसी तेरे रामायण में सिया राम का बसेरा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ बस तेरा ही सहारा है।
अच्छा है कोई सहारा। तुलसीदास जो रचना लिख दी है नी, आज भी समुद्र मैंने गंगा में फेंक दी तो रामायण आज भी सुरक्षित है। पेन से लिखने वाला अभी तो विश्व प्रसिद्ध क्या बने थे, राम मंदिर बने थे, घर घर राम राज ही कैसे घर घर राम राज महर महर माता थे महर महर माता भारत के भाग मोर सती भैया के अमर है। पगली कसपुर वैया घुमाला पगली कसपुर वैया घुमाला शादी में दहेज देना, बेटी मला अवश्य रूप में शादी में दहेज देना,
अब कौन सा दहेज देना? एक ठर रामायण कहा देना है, एक ठर रामायण। कई दाई मन तो पूरा पूरा गुड़ाखू डाल देते हैं, कत्ते किराना दुकान में और बेटी जाएगी। एक रामायण से दाई 1941 में हमारे जन्म ली, चाय बगान हमारे फूफू दीदी मन गेरी ने फूफा वगैरह मन हमारे मंझला चाचा। एक रामायण लानी, एक रामायण घर से आए से हमारे 80 एकड़ जमीन ला मालगुजार हड़प ले। 80 एकड़ बागडोगरी की, 40 एकड़ चंदेली के। 5 साल रही वहां ले तो गिन, लेकिन लाना नहीं वो मन। आज भी कम से कम 10 लाख आदमी वहां है। रामेश्वर तेली हमारे धमतरी जिला के, रामेश्वर तेली मन वहीं से बच गए। हमारे साथ पेट्रोलियम मंत्री अभी राजीव मंदिर बना है हमारे क्षेत्र के मन के रही। राजीव मंदिर माता राजीव के मंदिर असम में बना है डिब्रूगढ़ में है। तो दीदी मन गाड़ी देन कहा है, ये रोगा मन हमला लानी ना उन्हीं ले जाए ऐसे वैसे करके रोज। तो एक दिन एक जन रोका अंग्रेज है, पूछे वाट इज द मीनिंग ऑफ रोका ऐसे कही। तो हमारी यहाँ दीदी था, तुम्हारा आगे कैसे कहा कैसे हिंदी वाला कैसे बताओ बताओ रोगा दोगला मैंने क्या होता है, तुम छत्तीसगढ़िया लोग सब रोगा दोगला बोलते हो सभी लोग। तो हमारी यहाँ दीदी घबरा गए कैसे, अब नहीं बताओ तो कोड़ा पड़ेगा कि तके हम कहते हैं हमार डहा बड़े बड़े तुम्हार डहा हमार डहा राजा महाराजा मतलब रोगा दोगला कथन साहब की। अरे वेरी गुड, हम तो सबसे बड़े रोगा दोगला है ऐसे, सबसे बड़े रोगा दोगला ऐसे। तो जब भी अंग्रेज मनाए ना बोलो ना रोगा दोगला बोलो ना कहा था रोगा दोगला कहा ऐसे। रोज रामायण पढ़े, रोज रामायण लाखों डेरा से लाखों। एक एक दिन इतवार के रामायण पढ़ना है, एक दिन गंदा कपड़ा पहन के इसका थे ऐसा। 2 मिनट भी नहीं बैठी मेरा गमछा कहीं गिर गया कि निकली। तो देखो तो पहले बार ऐसे रात भी देखे हम चोर ढोर हो सकते हैं है। तो निकल के देखिन तो लाखों डेरा में हमारे यहां भी उसने खींचगा, हमारे यहां भी उसने खींचगा। 2 मिनट भी नहीं बैठी सब गमछा गिर के की निकली। ये कोई ना ये हनुमान जी वास्ता में ज्ञानी मन की कल से हमला पेमेंट मिली, अब हनुमान जी के दर्शन हो गए। दूसरा दिन नहीं कहते हैं अंग्रेज मन सम्मार के कल से पेमेंट मिलेगा रे कि सब मंगल के पेमेंट चालू हो गए। 5-6 महीना हो गए पेमेंट करत करत होते झन के आदमी के। तो सबके भावना हुई रामायण खरीदे। हमारे यहाँ फूफा जी लखनऊ में रामायण खरीदे, वो रामायण हमारे यहाँ घर में आते ही आज ये स्थिति में पहुंचाऊंगा। हमला कई झन कहते मोर जैसे सामाजिक पद में कोई रहने वाला नहीं है, नहीं रामायण नहीं भागवत नहीं, एक रामायण हमारे यहाँ पहुंचे है। बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मोर परिवार है, सबसे ज्यादा। अब 20-22 हजार हम एक के परिवार के। नारायणपुर जिला, कोंडागांव जिला, कांकेर जिला, बालोद जिला, फिर रावण के असर नहीं है भाई। कलेक्टर कमिश्नर एसपी हो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी। 5-5 विधायक हमारे घर से हुई, मोर बुआ के परिवार से 4 विधायक हुई। केवल सत्संग के कारण, सत्संग में बैठो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिले। अब मैं कह दे दूं कोई रामायण की विरोध करके सरपंच बन के बताए, मैं रामायण के विरोध करता हूं गांव गांव और सरपंच बन के बताए उसका घर के नाश तो ऐसे हो जाए हैं। रावण के तो ठिकाना नहीं होते कौन होता है। तो राम कथा में बैठो जाए हमला कथे रोज रामायण में था कहा मिलते कहा। मैं पहले मास्टर रहा, 45,000 रामायण बांटे 45,000, 12-13 हजार गांव में मानस मंडली। तो कहा मिलती यार गांव गांव जाता कहा। मैं कहा आज धन्य मैं धन्य थी यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोही सांसद पद मुझे दीन। सांसद पद मुझे मिले कि नहीं है एकर सब का चाहिए। रामायण हो भागवत हो जहां कहीं हो वह थोड़ा थोड़ा जाके सुनो है। हम तो कहां से जात रहा ना 12 बजे रात हो 1 बजे रात की कहीं माइक की आवाज हो जाए, रास्ता में जाते हैं गाड़ी में माइक की आवाज खड़े हो सुन चल वही काम चल दे वही काम बैठ दे चल दे कहा। ए गजवैया सुन तो गभैया, ए गजवैया सुन तो गभैया, राम भजन सुन के तेहर जावे रसाला तोर को घर बुलावे, राम भजन सुन के तेहर जावे रसाला तोर को घर बुलावे। ए गजवैया सुन तो गभैया, ए गजवैया सुन तो गभैया, राम भजन सुन के तेहर जावे।
जन सुन के तेरा जावे रसाला कौन जग भुलावे भजन सुन के जन भजावे दस लाला तई भजन भुलावे ये रास्ता मत भूलो आज लोग लेके बिगड़ गए एक जन गवटिया के लड़का है नानचू लड़का हमरे कर अपन दादा है ओकर दादा डोकरा दादा है गांव जाए बा तैयार रहते स्कूल जाए बा तैयार रहते है दूसरी पढ़ाते है कहां जाते दादा कहते गांव जाता रे के दिन बजा था 3 दिन बाद महू आहू का कहते अरे ते मत आ रे ते स्कूल जा ते 3 दिन की छुट्टी है का कहते काबक डोकराल पूछ जा 3 दिन छुट्टी 3 दिन छुट्टी है ते चल ते फिर पैदल 5 किलोमीटर तो गांव है अब जावा थे अगर दादा सर रोड रोड जात है सामने रहल गुरुजी आत रहे ओते तो तोर गुरुजी आते रे अब ते मोला ठगे बेटा मोला गाड़ी दे रे जा बेटा ते ये पुलिया खाली लुक जा रे तोर गुरुजी निकल ही था फिर आ जाबे कथे तो नानचुन लड़का कथे जाना दादा तय लोग न कथे पुलिया खा ले तय लोग कथे तो डोकरा कथे तार तोर गुरुजी तोला गाड़ी दे मोला काय कहे तय जा लोग कथे जाना दादा तय लोग न का तोला मर गए के 3 दिन छुट्टी ले हम कथे दादा मर गए के 3 दिन छुट्टी ले थे डोकरा सोच ले आज के लड़का और दाई मन भी कम नहीं है लोग लड़का पढ़ाओ बब्बा मन की चिंता मत करो दाई मन अवश्य पढ़ाओ एक जन हमरे कर के लड़का है नानचू लड़का छापा वाला कागज दे करके दाई ने पूछ छापा रहा तेरा ये काय दाई का थे ये हाथी है बेटा का थे फिर एक पत्तल पलटी ये काय दाई का थे ये साइकिल है बेटा फिर एक पत्तल पलटी ये काय दाई ये भगवाए बेटा का थे ओकर बाद ओकर दाई है बर्तन साफ कर चल दी 10 कदम में ऊंचे फिर लड़का पूछ ये काय दाई ओतरे मुकर दाई गुस्सा हो गई तोर दादा है की तब वो लड़का है शुरू करी ये हाथी है साइकिल है ये भगवा है ये दादा है उतरे समय कर दादा आग देखते कते कर मोर फोटो लगे हरी नहीं क्या पढ़ते जाके देखी तो कुकुर की फोटो रहा कुकुर की फोटो अरे जैसे पढ़ा तैसे तो ही भाई है तो एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध थोड़ा थोड़ा राम भजन करना चाहिए राम राम कहना चाहिए हर कोई राम राम नया हंडी में धान निकालो जय श्री राम करके नया हंडी में उत्पादन बढ़ी कर्मा ददरिया गाते गाओ उत्पादन बढ़ी है और संतों के पास साथ बैठो प्रथम भाग के संतन कर संग संतो साथ रहो दूसरा रति मम कथा प्रसंग दूसरा भगवान का पद का ध्यान लगाना गुरु पद पंकज सेवा तीसरा भक्त मान माता पिता गुरु की सेवा करो और चौथी भगत हम दोनों कहना कर है कपट तज ज्ञान छल कपट के माता पिता की सेवा करो हैं ये दुनिया है ये कलयुग ला बेकार का धन कलयुग समान कोई युग नहीं है ज्यादा पूजा पाठ करने के नहीं राम राम भैया कहते मैं बहुत ताकत कर हैं और गुरु बनाना हम तो रामायण का गुरु बना है हैं ये रामायण गुरु है ये रामायण गंगा है हैं ए रामायण गंगा ए रामायण गंगा रामायण गंगा रामायण गंगाए रामायण गंगाए
गंगा में जैसे कोई भी चीज फेंक देवे ना, आदमी ने तुरंत गला दी, हड्डी वड्डी कुछ नहीं बची, दूसरा पानी डाल दे बोलते गए। कई दिन तक के हजारों साल में भी गंगा के पानी खराब नहीं हो तो ये रामायण में बैठने वाले आज गंगा में डुबकी लगाता हो, आप मन के बीमा हो है? लेकिन एक चीज छोड़े पड़ी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, काम क्रोध अहंकार मद लोभ लालच न रख के पंथ है ना। यह तो शिव शिवरात्रि होते ही नहीं, जहां भोलेनाथ की कृपा है, अजन्मा है, उसका माता है अपना पिता है, लेकिन हमारे आदिवासी लोग गोंड समाज के बोलते हैं, उसका गोत्र कुड़ोपी गोत्र का है, समुद्र मंथन में जहर को पिए कड़ू चीज के पान के, इसलिए कुड़प्पा गोत्र हुआ है ना, इसलिए हम कुड़ोपी मने कुड़प्पा गोत्र मानते हैं। भोलेनाथ का खूब सेवा करो है। जापो रे भाई शंकर भोला, 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 जापो रे भाई शंकर भोला। जपोरे भाई शंकर भोला, जपोरे भाई शंकर भोला, जपोरे भाई शंकर भोला, जपोरे भाई शंकर भोला। शंकर भोला जपोरे भाई शंकर भोला, जपोरे भाई शंकर भोला, जपोरे भाई शंकर भोला, जपोरे भाई शंकर भोला, जपोरे भाई शंकर भोला। बोल सिया रामचंद्र की, भगवान के भजन 24 घंटा करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, रामायण का हर दोहा चौपाई मंत्र है। और छठ दमशील विरति बहुकर्मा, और निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। आदमी हमेशा नम्र बात करना चाहिए, नम्र गुस्सा में बात मत करो। भिखारी खड़ा आते देवदाई हो, देव दादा हो, कथे एक रुपये देने वाला 2 रुपये देते। और हुड़ से सारी कोठियाई देव रन तो दादा के लागत हो, घाम में खड़े हो किस देव का है। सातवां सम्मोह मैं जगह देखा, अब मोते अधिक संत का लेखा। हम जनो जात एक ही मतलब संतान है, मनु और शत्रु पर संतान है, बाद में जाति बनी। आठवां जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखा ही परदोषा। घर में जो भी चीज बने है वही लखाना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कई जन का कहते हैं बाजार ले जाते हैं, बाजार हम अड्डा भाई, बाजार ले पी खा के आते हैं, अपन बाई मारते हैं। तुमको आयलर बायलर नहीं मिला क्या, आलू को बनाए हो? अरे जो बना है उसी को खाना चाहिए है। नवा भक्ति है नवम सरल छल ही ना, अब मम भरोसे ही है हर संधीना। नवम सरल हो जाओ, छल कपट त्याग दो, भगवान के भजन पूजन करो, आपके हर मनोकामना पूर्ण हो। और नव मे कवचिन के हो नारी पुरुष सचराचर कोई, नव भक्ति भी यदि एक भक्ति भी हो गए, जैसे गुहराज निषाद माता राजिम राजिम भाई सवई कर कर साक्षात भगवान राम प्रकट हुई। और कही माता राजिम आज से एक नगर तोर नाम से हुई, राजिम माता की जय है कि नहीं। ये नव भक्ति रिश्ते कर सकती,
तो एक एक घड़ी घला कभी कभी राम कथा में जब भी हो बैठो थोड़ा ना थोड़ा अखंड रामायण और राम सत्ता छोड़ के भाई अखंड रामायण राम सत्ता 24 घंटा मंडली आ चाहे मत मैं 5 मिनट और समय नहीं मंडली आ चाहे मत मैं हमारे कड़ा कोदा गांव बहुत बड़े बस्ती आप मन जानते हो के जन जानते हो कोदा गांव नाम सुने हो 250 घर तो साहू मन है कांकेर से लगे हैं मोर गांव बिल्कुल चंदेली चंदेली बागडोंगरी किरगोली ये मन मोर परिवार है वहां राम सत्ता हुई 8 8वीं पढ़ते तब तो एक ठन मंडली आई शुरू में बोला 2 घंटा रोकी एक घंटा के लेकिन 2 घंटा ले मंडी नहीं आए मोबाइल के जमाने नहीं है ना तब वो थक गया है बोला जान देने क्या है बोला छुट्टी देव कहा था नहीं दे छुट्टी 2 घंटा ज्यादा हो गए तब वो किस गवैया मोला जावन देना रे सना ना ना मोर अपन बेरा हो गए मोला जावन मोला जावन देना रे सना ना ना अपन बेरा हो गए मोला जावन देना रे सना ना ना अपन बेरा हो गए मोला जावन देना रे सना ना ना अपन बेरा हो गए मोला जावन देना अभाव का विदा करे चले पड़े भाई 2-2.5 घंटा हो गए तो एक जन आदमी ने खोजी जवान किकिर मिठिया कहा है जवान भाई बोला किन चल रहता है गावे कथे तो कभी तो नहीं गाए होगा कथे अरे राम राम घर तो भजत रहे रे तहले एक जन ढोलक वाला खोजी तो ढोलक लो रहा है रे फोकटक फोकट गला बजाबे मैं गाहूं ऐसी किस और शुरू करेंगा रंग ना ढंग तान हमन 11 बजे रात के चल जाए कोई मंडली नहीं इस रात भर अब वो मन थक के रहा है थके रहा है तो आओगा मैं थके थोड़े कहीं राम सत्ता होते नहीं रहा होते ना तो राम सत्ता में हर बार राम बोलना है ऐसे ऐसे हो सिया राम जय सिया राम ऐसे वैसे हो सिया राम जय सिया राम ऐसे कहना है तो मैं थके होगा थोड़े कहती तो दूसरा दिन हम आए दूसरा दिन वही कर हमारा मम्मा गाँव मैनपुर वहां लग बासी वासी खान फिर पहुंचे थे वही चमन गावत रहा तो गाँव के वाल पूछे थे भाई के बाबू मंडली नहीं है चमन गा थके रहा है कैसे कैसे रात भर कैसे और पहले दिन गाड़ी से मंडली वाला तो क्या जोरदार रहा पहले वाला तो गाइस ना मिथलेश साहू अमाली के द्वारा हमें 50 रुपया का भेंट दिया है बोलिए जब रामचंद्र की ये बहुत डांसर भी है तो अब शुरू करी थके रहते कैसे गाए एकदम थके रहे लक्ष्मी चरण दबावे हो रहा लक्ष्मी चरण दबावे हो रहा क्षीर सागर में सोए जरा लक्ष्मी चरण दबावे हो लक्ष्मी चरण दबावे हो राम लक्ष्मी चरण दबावे हो राम क्षीर सागर में सोए नारायण लक्ष्मी चरण दबावे हो राम अरे थके हो भैया अरे सुनो न भैया अरे ढोलक वाला के हाथ के खड़ी निकल गए है भैया अरे दया करो न रात भर का दिस ये राम सत्ता 24 घंटा इसलिए बीच में रामायण वगैरह रखे रहना चाहिए।
हैं। अब एक स्वरचित भजन, अब हमला भी पिता पाना है, ज्यादा भी नहीं कहना चाहिए, पब्लिक है मूला आंतरण बंद करना चाहिए, चाहे गाना हो चाहे भाषण मारने वाला हो। कई जगह हमारे घर हम देखते कई भाषण मारत रहते, कहा भाषण मारत रहते, कई जगह गावाते रहते, तो मजा नहीं आ गया है नहीं, बिल्कुल शॉर्ट कट एक भजन। सब ताली बजा के गाएंगे भाई, राम के नाम निकलेगा, जेकर हाथ है भाई और जेकर मुंह है ते ही गाना। श्रीमती लता सेन एवं श्रीमती ग्वालिन यादव ग्राम छिपली 50 रुपए का अर्पण किए हैं। बोलिए उनके जीवन भक्ति की जय, बोलिए उनके जीवन भक्ति की जय। अब सोहर गीत के समय नहीं है, एको जन लड़का वही करते तो जम थे
है, अब एक साथ हम मन से बिता पाएंगे क्योंकि हमको दूसरा जगह भी जाना है नहीं? अच्छा लगे इसके नहीं है? अरे दया माया रखे रहो जाता नहीं अपन जोर से ताली बजाओ तालियों से। बांध के गठरी में रखो राम सिया राम, बांध के गठरी में रखो राम सिया राम। दया माया रखे रहो जाता नहीं अपन राम, बांध के गठरी में रखो राम सिया राम। बांध के गठरी में रखो राम सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इस गांव में कभी अकाल महामारी ना हो, बीमारी ना हो। इस गांव के लिए हमने टीना सेठ के लिए किया था, मेरे को पता है, लेकिन किसी कारणवश कलेक्टर साहब पर ट्रांसफर हो गया और रुका हुआ है। आज ही मैं आने से पहले नया कलेक्टर ऋतुराज आया है, मैं कहा यहाँ दरगाहन है, यहाँ है, 5-6 एकड़ टीना सेट कर दो इधर सामने और बन जाएगा। बनेगा कि नहीं जी? है ना, यहाँ शादी ब्याह छठी मरनी सब होगा, किसी के घर में अब जगह नेंग लग वहां करो। कैसे यदुराज भैया, यदुराज कौन लगे? सरवन सरवन यदुराज कौन लगे थे? अरे साहू तो है, यदुराज किसका नाम है? सबसे पहले गोंड समाज के जो राजा हुए वो यदुराज हुए, है नहीं? एक बार जोरदार यदुराज जी की हमारे गोंड समाज का प्रथम राजा यदुराज हुए, वैसे ही नाम आज हमारे बीच में यदुराज भैया हैं, बढ़िया का नाम कमा रहे हैं, पूरे परिवार हमने सुना है। और ये पूरे गोरे गांव है नहीं, ये गांव बड़े भक्तिमय गांव है, इस जगह कोई चीज कमी नहीं होगी। 2 साल हम लोगों के निधि बंद कर दिए कोरोना कारण, है ना? और इस गांव का आप देखो, राम कथा बिल्कुल मत छोड़ो। कई आदमी चंदा के लिए मना करते हैं, चंदा मत देना, और अमान अमान हो जाते ना हिसाब किताब दिन बैठे तो नागवा का बैठ के होकर एक एक पैसा हिसाब होना चाहिए, कहते तो घोर नरक में जाते हैं। एक एक पैसा दान करता, एक एक जो जिसका नाम या मन से लिया जाएगा उसका जीवन धन्य धन हो जाएगा, एक एक पैसा। मेला के बाद हमारा ये मानस मेला आने वाला है, एक एक मंडल 5-5 पैसे 10-10 रुपया भी दे दो तो बहुत है। कैसे भाई, आज तुम्हारे साथ बैठे सौभाग्य मिली। माननीय सांसद महोदय जी, ये जो आपने घोषणा किया था वो सेट का नहीं है, कंक्रीटीकरण ये नीचे पूरा इसका है शायद, कंक्रीट का है ना? हाँ हाँ, हमारे घोषणा में टीना सेट लिखा हुआ, जो भी है जो भी है स्वीकार है, वो भी बन जाएगा। और मैं कहता हूँ 5 साल में इलाका देखना अकाल महामारी बीमारी नहीं होगा, क्यों? राम कथा करिए, है ये कंक्रीट का ये सब बन जाएगा। मैं कहता हूँ हम लोगों को रहते कोई चिंता नहीं, एक ही बार थोड़ी आने वाले समय फिर दे देंगे। अभी बजट सत्र के बाद हमारा जुलाई अगस्त में पैसा आएगा तो वो चुनाव आ जाएगा, फिर भी इस गांव का हमको ख्याल है। और कलेक्टर साहब का ट्रांसफर नहीं होने से हो गया होता है, लेकिन ये कलेक्टर भी कर देंगे, सब चीज हो गया है, केवल आदेश को निकालना है ना, वित्त मंत्रालय के लिए जारी कर देना है बस। बोल सियावर रामचंद्र की जय।